उम्मीद करता हूँ सब अच्छे हो गए, घर पे हो गए, सुरक्षित हो गए। गाइस आज मैं अपनी कुछ तो करामात नहीं सुनाऊंगा, लेकिन मैं सबसे पहले ये बता दूंगा कि मैंने जितने भी क्वेश्चन दिए थे वो सभी एग्जाम में आए। एटलीस्ट अभी मैंने स्टूडेंट की रिकॉर्डिंग भी की है, तो आपको हमारे लेक्चर के बाद स्टूडेंट की रिकॉर्डिंग मिलेगी। मैंने उसमें सब कुछ रिकॉर्ड किया कि स्टूडेंट ने क्या बोला है, क्योंकि वो स्टूडेंट हम लोगों के साथ 2 महीने से तैयारी कर रहा था और उन्होंने पूरी जानकारी दिया है। तो देर किस बात की सुनाते हैं, लेकिन सबसे पहले देखिए जहाँ तक जो मैंने डिजिटल कैप्सूल दिया था उससे 50% क्वेश्चन आए हुए हैं, और जो हम लोगों ने नोट दिया था रिसेंट के, तो उससे अगर अकाउंट का 75% क्वेश्चन वहाँ से आया है। मैनेजमेंट के क्वेश्चन कम आए थे तो इसलिए मैनेजमेंट का कोई रिव्यू नहीं किया, लेकिन इकोनॉमिक्स के ज़्यादातर राइटर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, बाकी मैं स्टूडेंट की रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ अभी जो मैंने किया हुआ है। हेलो, हाँ विनीत। हेलो, हाँ सर। हाँ, पेपर कैसा हुआ? अच्छा हुआ है सर। क्या क्या आया था, कैसे क्वेश्चन आए थे? सर मॉडरेट क्वेश्चन आए थे, इको आया था, बिजनेस, अकाउंट, कंप्यूटर और मैथमेटिक्स। कंप्यूटर से कितना क्वेश्चन था? कंप्यूटर का 18 क्वेश्चन थे सर। अच्छा, अभी जो हम लोगों ने डिजिटल कैप्सूल दिया था उसके कैसे क्वेश्चन थे? उसके सर 40% से 50% तक क्वेश्चन आए थे उसके। डिजिटल कैप्सूल के क्या कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन था या क्वेश्चन डायरेक्टली दिया था, ये भी बता दो। क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल भी था और डायरेक्टली भी था। डायरेक्टली बट ठीक है। और ये बताओ रिसेंट में जो अकाउंट का नोट दिया था वो कितना बेनिफिट चल रहा? वो हाँ वो सर बहुत हेल्प किया। लगभग कितने परसेंट क्वेश्चन तुम लोगों ने अकाउंट का कितना परसेंट कवर कर सकते हैं? 75% 75% अकाउंट के कॉन्सेप्ट उन्होंने इसमें कवर कर लिया। और मैनेजमेंट का जो नोट दिया था वो कैसा था? मैनेजमेंट सर मैनेजमेंट का नोट तो था लेकिन मैनेजमेंट का क्वेश्चन नहीं आया था। मैनेजमेंट का ज्यादा क्वेश्चन पेपर में नहीं आता, कोई नहीं। इकोनॉमिक्स का क्या हालचाल था, कैसा था? इकोनॉमिक्स सर वही राइटर्स का नाम और कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स माइक्रो मैक्रो के वही थे। अच्छा, जो शुरुआत के हम लोगों के नोट से ऊपर जो लिखे थे राइटर्स के नाम वही था। एक तुम लोगों को पीडीएफ दिया था डेट ओट का, वो कैसा था, उसमें से कितने क्वेश्चन? हाँ सर उससे भी 3 क्वेश्चन आए थे। चलो ठीक, ओवरऑल अगर एनालाइज किया जाए तो अगर नोट और पीडीएफ पढ़ के कितने परसेंट स्टूडेंट ला सकता है तुम्हारे एग्जाम में? 60-70% ला सकता है। 60-70% अगर 60-70% लाता है तो उसको सेल्फ फाइनेंस में यहाँ एडमिशन मिल ही जाता है 100%। चलो ठीक है, अच्छा लगा सुनिए, बढ़िया हुआ। चलो मैं इस रिकॉर्डिंग को अभी मैं यूट्यूब पे पेस्ट करने वाला हूँ। ठीक है, अभी और लोगों के भी कमेंट भी आने वाले हैं। लेकिन अच्छा रहा, बस यही कंप्यूटर ने घुमा दिया, 18 क्वेश्चन दे दिया। लेकिन देखो बाकी के अकॉर्डिंग ही हमने बताया था 6 क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बाकी सिलेबस में 6 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछा था। लेकिन कंप्यूटर का क्वेश्चन कैसा था जो मैंने यूट्यूब पे डिस्कस किया था, उसमें से क्वेश्चन आए थे क्या? यूट्यूब पे जो क्वेश्चन डिस्कस किया था एब्रीवेशन का जो लिस्ट दिया था उनसे क्वेश्चन आए थे? एब्रीवेशन से हाँ सर 2 क्वेश्चन आए थे। 2 क्वेश्चन एब्रीवेशन से था। और यूट्यूब पे जो डिस्कस किया था जो नोट्स पढ़े थे उससे लगभग YouTube से 30% से ऊपर आए थे। चलो ठीक है, अच्छा लगा। चलो मैं ये रिकॉर्डिंग पेस्ट कर रहा हूँ YouTube पे। ठीक है, थैंक यू। चलो आराम से आओ।